करते हैं पहले खबर की तरफ। चिराग के बयान पर जेडीयू आग बबूला, कहा हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ एलजेपी से नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के दलित दांव पर सवाल उठाया तो जेडीयू आग बबूला हो गई है। जेडीयू ने चिराग पासवान को चेतावनी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि चिराग पासवान को भद्दे बयानों से बचना चाहिए। चिराग अगर खुद को एनडीए का हिस्सा मानते हैं तो वह नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, एलजेपी के साथ नहीं। जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, अब चिराग को आपत्ति क्यों है? गौरतलब है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के परिजन को सरकारी नौकरी देने का नीतीश का फैसला और कुछ नहीं बल्कि चुनावी घोषणा है। चिराग पासवान ने कहा था एससी या एसटी समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी नीतीश सरकार ने किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इससे एससी या एसटी समाज को निराशा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि एससी या एसटी ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के व्यक्ति की हत्या ना हो, इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी ही पार्टी के आईटी सेल पर बरसे बीजेपी नेता स्वामी, बोले फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर कर रहे हमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की आईटी सेल पर बरस पड़े हैं। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि बीजेपी की आईटी सेल फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर हमला कर रही है, अगर मेरे समर्थक ऐसा शुरू कर दें तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी के आईटी सेल बेकार हो चुकी है, कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं, अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राज्यसभा सांसद ने इस दौरान बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी को तुरंत इन्हें निकालना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि एक मालवीय कैरेक्टर ही इस पूरी गंदगी को चला रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पार्टी है, रावण या दुशासन की नहीं। गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे सांसद हैं जो पार्टी में रहकर भी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो कभी पार्टी के लिए मुसीबत बन जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर पर कई समर्थकों को जवाब देते हुए स्वामी ने इस बात को कहा कि जेपी नड्डा को तुरंत अमित मालवीय को आईटीएसएल प्रमुख के पद से हटाना चाहिए। कई बार विपक्षी पार्टियां अमित मालवीय पर गलत और भड़काऊ कैंपेन चलाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेर चुकी हैं, लेकिन अब की बार पार्टी के भीतर से ही मोर्चा खोला गया है। हालांकि इस पूरे विवाद पर अभी भाजपा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।